हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने एक नया स्टार्ट की हूँ, मैं नया एक कोर्स। इसमें मैं क्या करूँगी, आपको 2014 से 2018 तक के सभी प्रश्न पत्रों का पेपर सॉल्व कराऊँगी। आज हम 2018 से ले रहे हैं, 2018 के हम प्रथम प्रश्न पत्र का आज हम प्रथम प्रश्न पत्र को ले रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का भी हमारा ये भाग एक है, मतलब हम इसमें एक साथ तो हम पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज जितने भी इसमें पेपर फर्स्ट का जो हिस्ट्री वाला पार्ट था उसके जितने भी थी मार्कर हैं वो लेके आए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल आएगा उसमें हम 6 मार्कर करेंगे पूरे। तो ऐसे क्या होगा, हमारा पूरा 2018 का 2017 का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं पुराने, तो हमारा 50 से 70% हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमको पता चल जाता है किस तरीके के आंसर आते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं जो उसी से ही संबंधित आते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2018 का पार्ट एक 3 मार्कर वाले क्वेश्चन है। पहला है कर्णवंश। कौन सा है कर्णवंश? फ्रेंड्स, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स, यही मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं उनको ये 2014 से 2018 तक का पेपर सॉल्व मिलता है। और आप इसको हार्ड कॉपी में भी मंगा सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी में भी मंगा सकते हैं। कर्णवंश कब से कब तक रहा था? तो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहा था। इसकी स्थापना वसुदेव ने की थी। शुंग का ब्राह्मण ये अमात्य था, मतलब ये शुंग वंश का ब्राह्मण अमात्य एक मंत्री था जो कि ब्राह्मण था। किसका? शुंग वंश का। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी। फ्रेंड्स, मेरे सभी नोट्स इसी प्रकार से फ्लो चार्ट में, अगर हमें 3 नंबर में लिखना है तो हमको 3 पॉइंट में लिखना है। इसी प्रकार से इसमें हमको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, बस ये आंसर देखना है मेरा और वहाँ पे आपको याद करना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हम लिख रहे हैं कि ये सात वंश का एक महान शासक था। 25 वर्षों तक इसने शासन किया, साम्राज्य का विस्तार कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी हम सभी को पता है ये सात वंश के शासकों में सबसे महान शासक था। इसने 25 वर्षों तक शासन किया, साम्राज्य का विस्तार कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। नेक्स्ट है मौखरी राजवंश। तो गुप्त राजवंश के पतन के बाद ये स्थापित हुआ। इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसका प्रथम सामंत हरिवर्मा था और 510 ईस्वी से इसने शासन किया। तो मौखरी राजवंश क्या बोलेंगे, गुप्त राजवंश के पतन के बाद ये स्थापित हुआ। इसकी राजधानी कन्नौज थी, प्रथम सामंत इसका हरिवर्मा था और 510 ईस्वी से इसने शासन किया। नेक्स्ट है रेहला क्या है, क्या है रेहला क्या है? फ्रेंड्स, मेरे नोट्स इसी प्रकार के हैं जैसे आप देख रहे हैं। इसी प्रकार का नोट्स आपको घर पे भी मिलेगा। मेरे सभी नोट मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, हैंड रिटन ही आपके घर पहुँचेगा। अब रेहला आपने सुना होगा, ये ग्रंथ है। अब किस प्रकार का ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो मोरक्को निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखा हुआ ये यात्रा वृतांत है। किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है, मोरक्को निवासी हैं ये। 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय ये भारत आया था। ये भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय ये भारत आया था। भारत की राजनीतिक सामाजिक हालात का इसने वर्णन किया। इसने किसका वर्णन किया? भारत की राजनीतिक सामाजिक हालात का वर्णन किया। तो रेहला क्या है? मोरक्को निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखा यात्रा वृतांत। 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। भारत की राजनीतिक सामाजिक हालात का इसने वर्णन किया। अब है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं। चंपारण निवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। चंपारण मतलब वर्तमान बिहार। इनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण कहाँ पे? बिहार में है। जो राज नील के विरुद्ध उन्होंने, जो गांधी जी ने नील खेती के विरुद्ध आंदोलन किया था, तो वो जो गांधी जी को वहाँ बुलाया था वो इन्हीं ही बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। और कौन थे, अपन अगर इनको एक वर्ड में लिखें तो नील की खेती करने वाले रैयत, रैयत मतलब किसान, तो नील की खेती करने वाले ये रैयत थे। तो चंपारण निवासी स्वतंत्रता सेनानी, इनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए, नील की खेती करने वाले रैयत। नेक्स्ट है जैकोविन पर टिप्पणी लिखो। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रभावी राजनीतिक क्लब था जैकोविन, क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रभावी राजनीतिक क्लब था। स्वतंत्रता और समानता के लिए ये संघर्ष करते थे, मतलब ये जैकोविन के जो लोग थे वो संघर्ष करता थे। इन्हें आम तौर पर जैकोविन क्लब कहा जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सबसे प्रभावी राजनीतिक क्लब, स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष करते थे, इन्हें आमतौर पर जैकोविन क्लब कहा जाता था।
फ्रेंड्स, ये हस्तलिखित नोट्स की पूरी डिटेल है, आप ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में सभी नोट्स उसमें मिल जाएंगे आपको। सिलेबस वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको पूरे नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, तो आप इसको मंगा सकते हैं अपने घर, हैंड रिटन मिलेंगे, प्रिंटेड नहीं मिलेगा। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर दिए नंबर पर। नेक्स्ट है इरास्मस पर टिप्पणी लिखो। तो इरास्मस कौन थे? एक डच ईसाई मानवतावादी थे, एक डच थे, ईसाई थे और मानवतावादी थे। उत्तरी पुनर्जागरण का सबसे बड़ा उत्तर में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका सबसे बड़ा विद्वान था इरास्मस। नेक्स्ट है एमएलए पर टिप्पणी लिखो। ऑनलाइन शिक्षा की प्रकृति पे लिखा एक ग्रंथ था, क्या था? ऑनलाइन शिक्षा की प्रकृति पे लिखा मतलब एजुकेशन की प्रकृति पे लिखा एक ग्रंथ था, जीन जैक्स रोसेट द्वारा लिखा। जीन कुछ ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे कि हमको कहीं मिलते ही नहीं हैं, अगर हम YouTube में उसमें Google में भी डालते हैं ना तो Google में भी नहीं मिलते हैं आंसर, ऐसे ऐसे आंसर 2018 में पूछे गए थे। एक और आगे पूछा गया था वो मैं बताती हूँ आपको, मैं लिखने के लिए भी मतलब वो मटेरियल नहीं मिलता है हमको जो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है। और ये रोसेट द्वारा लिखा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ उसने लिखे एमिले जो है वो रोसेट द्वारा लिखा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जीन जैक्स रोसेट द्वारा इसको लिखा गया। तो ऑनलाइन शिक्षा की प्रगति पे लिखा ग्रंथ है, जीन जैक्स रोसेट द्वारा लिखा, रोसेट द्वारा लिखा महत्वपूर्ण ग्रंथ था। नेक्स्ट है जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय कौन था? ये रूस का राजा था, निकोलस प्रथम का ये पुत्र था और मुक्तिदाता के नाम से ये प्रसिद्ध है। क्या है? जार अलेक्जेंडर द्वितीय सबसे पहला क्या रूस का राजा था, कौन था? रूस का राजा था, निकोलस प्रथम का पुत्र था और मुक्तिदाता के नाम से हम जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जानते हैं, थॉमस ब्रेसी। फ्रेंड्स, हम इसी प्रकार से पूरा पेपर 2014 सॉल्व कर लेंगे, निबंध का भी करेंगे, निबंध के जो जो टॉपिक आए। निबंध के लिए मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है 2021 तक, जिसकी फीस 350 है, मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। इसमें हम हर वीक एक निबंध करेंगे और जैसे ही आप पेड ग्रुप में फीस जमा कर देंगे आपको 17 निबंध करंट के जो टॉपिक है जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, प्रवासी भारत, इंडिया बनाम भारत, इस प्रकार के जो प्रवासी मजदूर, तो ये इस कोरोना, ये वाले टॉपिक आपको मिल जाएंगे और साथ ही हर वीक आपको मिलता रहेगा। तो आप अगर निबंध के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसकी कल लास्ट डेट थी, उसका फीस बढ़ गया है, तो आप उसको पेमेंट करके आप उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है थॉमस ब्रेसी। थॉमस ब्रेसी कौन थे? तो ये एक अंग्रेजी सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदार थे। थॉमस ब्रेसी एक अंग्रेजी सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदार थे, 19वीं शताब्दी में निर्माण सामग्री के ये निर्माता थे, दुनिया के अधिकांश रेलवे बनाने में इन जिम्मेदार हैं। थॉमस ब्रेसी दुनिया के, ये याद रखिएगा, एक इंजीनियरिंग ठेकेदार, अंग्रेजी थे, सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदार थे, निर्माण सामग्री के निर्माता थे और दुनिया के अधिकांश रेलवे बनाने के ये जिम्मेदार थे। फ्रेंड्स, ये मेरे हार्ड कॉपी का पैकेज है, 8500 रुपये में ये आपके घर पहुंचेगा। ये सभी टॉपिक आपको मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वास्थ्य, आपदा, विश्व इतिहास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भूगोल, इनके रिव्यू में आप देख सकते हैं। इन्हीं से ही मैं वीडियो बनाती हूँ, जिस प्रकार से आप ये पढ़ रहे हैं इसी प्रकार के नोट्स हैं, जैसा कि आप ये सभी पढ़ रहे हैं इसी प्रकार के नोट्स मेरे पूरे प्रिपेयर किए गए हैं। खिजर खां पर टिप्पणी लिखो। खिजर खां ये सैयद वंश की इन्होंने स्थापना की, आप ऐसा लिख सकते हैं सैयद वंश के स्थापक, तो सैयद वंश की इन्होंने स्थापना की। तैमूर ने मुल्तान का राज्यपाल इनको नियुक्त किया, खिजर खां को राज्यपाल किसने नियुक्त किया? तैमूर ने मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया इनको। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश का शासक था ये, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश का शासक था। नेक्स्ट तुलुब वंश पर टिप्पणी लिखो। क्या है? तुलुब वंश पर टिप्पणी लिखो, तो क्या लिखेंगे? इनका शासन 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा। तुलुब वंश का शासन कब तक रहा? 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा। वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की, द्वितीय बलापहार इसको कहा जाता है। तुलुब वंश में शासन 1505 से 1570, वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की, द्वितीय बलापहार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन उमर। तो खिलजी राजवंश का ये तीसरा सुल्तान था, दिल्ली का ये 13वां सुल्तान था, मलिक काफूर की मदद से ये सुल्तान बना। खिलजी राजवंश का तीसरा सुल्तान, दिल्ली का 13वां सुल्तान, मलिक काफूर की मदद से ये सुल्तान बना। नेक्स्ट है रजिया बेगम पर टिप्पणी लिखो। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और ये पहली मुस्लिम शासिका थी। रजिया बेगम क्या है? इल्तुतमिश की पुत्री, 1236 से 1240 तक शासन, पहली मुस्लिम शासिका।
फिर है नेडली की संधि। नेडली की संधि 27 नवंबर 1919 को हुई और फ्रांस के नेडली सूरसीन में हुई। ये क्वेश्चन मैं बोल रही थी, बहुत अलग क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जो हमने कहीं पढ़े नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमने आज के ये हमारा 2018 का हिस्ट्री वाला जो पार्ट था उसके 3 मार्कर कम्प्लीट हुए। कल हम इसके 6 मार्कर के क्वेश्चन करेंगे और 6 मार्कर के क्वेश्चन में आपको जितने भी हिस्ट्री का पार्ट है वो हम करेंगे। इसके बाद हम 15 मार्कर करेंगे। 15 मार्कर के जो तीनों क्वेश्चन रहेंगे वो हम एक ही दिन में कर लेंगे, इससे हमारा ये पूरा पेपर जल्दी से निपट जाएगा। फिर हम और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे प्रीलिम्स की वीडियोस भी चल रही हैं, लूसेंट चल रहा है और प्रीलिम्स की चल रही। मैं आज से करंट अफेयर्स का भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये मेरे सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है, इनके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेंगे, एक नहीं आपको 21 पेड ग्रुप मिलेगा व्हाट्सअप का। इन पेड ग्रुप में आपको समय समय पर अपडेट दिया जाता रहेगा, नए नए आंसर्स दिए जाते रहेंगे ताकि आपके अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए और आपके पास बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन हो पाए कि एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो हमारा ये कोर्स अब डेली आएगा और डेली हम इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। 2014 से 2018 का सॉल्व होने के बाद हम अलग अलग, जैसे कि यूपीएससी के कुछ ऐसे पेपर हैं मेंस के जिनके क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में हमारे एमपीपीएससी मेंस में आ सकते हैं, तो हम वो भी करेंगे। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।